सो ही गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग इस ऋतु डेढ़ा। सो गाइज काफी टाइम बाद पहला तो मेरे ब्लॉग आए हैं, काफी टाइम हो चुका है बट कोई नहीं, सोचा आज एक ब्लॉग बना लेती। और टाइम हो रहा है 5 बजने वाले सुबह के, हमें कहीं जाना है तो मैंने सोचा चलो यार ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, आपको पता चल ही जाएगा इतनी सुबह सुबह उठे तो हमें कहाँ जाना है। बट ठीक है, मैं नहा ली हूँ और मैं सोच रही हूँ, अब एक खुल गया मेरी नीचे जाके चाय बना लेते हैं, इतने चाबी लेके घूम रही थी और सोचा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, चाबी रख दिया कहीं नीचे गेट लग रहे हूँ ना, उठ तो गए हैं बस चाबी का। सो चलते हैं नीचे चाय बना लेते हैं, देर हो रहा भाई। गेट खोलो, चाबी की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। और मैं आ चुकी हूँ किचन में, ठीक है अब मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। मेरी वॉइस कम आएगी क्योंकि चीज़ें सो रहे हैं अंदर, बाद में कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस मेरी बन रही है अंदर चाय, चाय बन चुकी है। ये भी नहा लिया, मैं भी नहा लिया, बस ये सूट पहन के तैयार है, मैं मुझे सूट डालना है अपना जब मैं ब्लॉग बंद कर दिया था, क्योंकि मैं नीचे आई थी ना जो यूज हो रहे थे, मैं कहा भी किचन के कमरे के पास में उठ जाएंगे, जब मैं ब्लॉग बंद कर दिया था मैंने 2 मिनट बाद स्टार्ट करती हूँ, उठ गए थे मेरी वॉइस कम ना आने लगी। चाय मैंने बताया था मेरी चाय या ये बन चुकी है, भूख भी लगने लगी है। मैं तैयार हो जाती हूँ ना, मैं सबसे ज़्यादा लेट हो जाऊँ क्योंकि 5 बजे तक मेरा फोन गया था, सब चार्जिंग पे है ना। नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। और मेरी सबसे बड़ी बात पैकिंग नहीं हुई है, मेरे साथ यही होता है कि मतलब सोचती हूँ कि मैं जल्दी पैकिंग कर लूँगी, 1 दिन पहले पैकिंग कर लूँगी, 2 दिन पहले कर लूँगी, बट अगर तो ऐसा हो कि सडनली हमारा प्लान बना, रात के टाइम हमारा प्लान बना था, सडनली प्लान बन गया और इसलिए हमारी पैकिंग नहीं हुई, सड़क प्लान में पैकिंग नहीं हो पाती ना। तो शुक्र मानो कपड़े रखे थे, एक तो प्रमोशन का ही रखा था, पूछा मारता रात साफ सफाई कर दी थी, आंधी आ गई, आंधी आने के बाद पूरे घर में तूफान हो गया, बस सफाई करके ही हटे थे, जैसे रात की साइड को जाना है तो मैं घर की क्लीन करके डाल देती थी, सुबह 5 बजे निकलना है मैं की। पर आधी ने ही कह दिया तुमने घर साफ करा ही कैसे, नहीं करना चाहिए था, अब दोबारा करो, देखो अब देख लो तो बहुत गंदा हो गया, एक तो ब्लैक पत्थर है ना, थोड़ी सी हवा चलती है उससे भी ये गंदा हो जाता है, पर अच्छा लगता है तो थोड़े क्लीन भी कर लेते हैं घर को और चाय वगैरह ले लेते हैं, नाश्ता वगैरह रेडी हो जाते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं जहाँ तक कंटिन्यू, मतलब मैं अब सीधा बाहर गई दिखाऊंगी आपको, बाद में मिलते हैं। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार और ये देखो इस पूरे येलो जाना, येलो रेड ले लो, डबल डाल दो सारी, दीदी पैप बंद कर देती, ये भी गीले हो जाएंगे। तैयार हूँ ब्रेड खाने, तो गाइस मेरी वॉइस थोड़ी सी कम आएगी और पता नहीं ज़्यादा भी आ जाओ, आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, क्या बच चुके हैं यहीं पर,
और ये मैडम की तो भी साफ सफाई चालू है, मैं थोड़ी सी साफ सफाई कर लेती हूँ। और ये डॉगी को ब्रेड खिलाने गए हैं, थोड़ी वॉइस इस टाइम कम थी, अभी कम ना होती क्योंकि पानी की आवाज़ तेज आ रही है, मेरी आवाज़ वैसे ही नहीं आती है, और इसने कम कर दी पानी की आवाज़ चालू करके। तो मैं सोचूँ साथ भी करते जैसे कंटिन्यू, थोड़े से साथ भी करा देती हूँ, डेली कर रही है, वैसे मैं ऊपर से करके आई, अब मेरा दिख रही ना, दीघा दिख गया क्योंकि मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ, दीदी नीचे आ गई थी, फिर सबको लगता है मैं काम नहीं करती दी करती है। कोई नहीं, अब मैं इसे मतलब अब भैया हरा रहे हैं तो घर भी जा रहे हैं साथ में, गाड़ी में मतलब मेरे सामान वगैरह नीचे ले आती हूँ, और वो सब काम हो चुका है, बस थोड़ी सी साफ सफाई थी वो भी ज़रूरी है। हम निकलेंगे मतलब साफ सफाई करने की, साफ सफाई हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, सफाई साफ सफाई करने के 30 मिनट बाद निकलेंगे क्योंकि तुरंत बाद भी नहीं निकलते हैं ना सफाई करने के, तो साफ सफाई कर लिए, 20 मिनट का गैप आ जाएगा तो थोड़ा खास ऊपर से सामान एडजस्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम निकलेंगे और मैं कंटिन्यू से फिर आगे ही चल के करूँगी, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी खिड़की से बाहर निकाला, अरे उल्टी नहीं तो पानी दे दे थोड़ा सा, एक बार लेके देख लो ना, थोड़ा सा दीजिए बेटा, प्यास लग रही है, इतना नहीं पीना इतना नहीं। सबके सब खून में ना बैठी हो आज सा कैप का इसकी जी बेटा, तो कैप का इसकी दो दिन में गुटी सो जाते हैं थोड़ी देर, आ जा मेरे पास सोएगा बेटा, आ जा मेरे बेटा, ये अच्छा अच्छा सर, मैं उसको ना क्रैक करूंगी, सॉरी हमने एक बार तभी सारे चारों बच्चे छह बच्चे यार, हमने इनके पास छोड़ दिया, दोनों के पास जो भी हमने बच्चे इनके पास छोड़ कर हम पीछे रहेंगे, और हम बैठ के बात करने लग गए, हम भूल गए कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, याद आया बहुत देर बाद हमें ऊपर भी जाना है, हाँ चढ़ाई भी करनी है, मेरे से तो सीख करेगी यार कैसे गाड़ी, मैं कल इनसे कह रही थी, मैं कह रही मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मैं कहने वाली थी इच्छा पूरी कर दो, अरे ये स्कूटी लेने को कह रहे हैं, तो मैं स्कूटी लेके कम से कम इतनी परमिशन तो दे देना कि कहीं बाहर की तरफ जा सकूं, लेकर तो बंद कर दूंगा कि घर से सारी परमिशन यार सो गए हम रुके यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, और ये गए गाड़ी साफ करवाने के लिए, तो गाड़ी थोड़ी सी ना मतलब गंदी हो रही थी, कल आंधी आई थी ना, तो आंधी की वजह से गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही थी, और ये ढाबा है, मुझे नहीं पता इनका खाना कैसा होगा, बट ठीक है ट्राई करते हैं कैसा नाश्ता होगा, मतलब खाना नहीं नाश्ता करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं कर पाए थे, जो जल्दी में सिर्फ थोड़ी सी चाय पी थी, चाय हो गए, ये तीनों गाड़ी चल रही थी, मुझे नहीं पता मेरे कैमरे में कैसा आ रहा होगा, जो यहाँ धूप भी आ रही है ना, और ये सूट गाइस मेरा प्रमोशन का है, और सूट बहुत सुंदर है, मैं दिखाती हूँ वो आ रहे हैं, अरे ये तीनों हो रही गाड़ी से उतर रही है, ऑर्डर दे लेते जो खाना है, आप मेरा बताना सूट कैसा लग रहा है, वीडियो डालूंगी इंस्टा पे फिर बताना।
सिंदूर का फेस वैसे आता बहुत गंदा रहा, पर कोई बात नहीं यार, तो उजाला आ रहा है मेरे को। चाय पीनो की लगाओ, सुनो पांचों का लगा लो, ये भी खेलेंगे साथ में। गाड़ी कुछ फिर साइड में लगा लेते हैं, खेल लेते हैं, खेल लेते हैं और गेम ओवर हो जाएगी जब देखेंगे। सो गाइस, ये दोनों खड़ी और हम रुके हैं हल्दीराम पे खाना खाने के लिए, और टाइम हो चुका है। टाइम देखो पहले हम किस टाइम खाना खाने रुके हैं। पकड़ ले मेरी। इसमें लस्सी ले गए थे मीठी। चलो हमें बहकाते हुए थे दूर तक, ले खाना खिलाएंगे खिलाएंगे, और अब आके खाना खिलाया। पर अच्छे से खाना खाया ना? अच्छे से खाया था, बट बहुत टाइम लगाया। यार ठीक है, पर है ना लेट मिला, पर अच्छा मिला। ला खोल ना, खोल ना अपने फोन खोल ना, तेरे फोन खोलो। ये मेरी रील बना रही है, ये देखो। अब पता नहीं मेरी बना रही थी, उन्होंने पता नहीं चल रहा, पर शर्ट तो मेरी ही बना रही है। वो भाई की रील बन रही, गलती से मैं इनके बीच में आ गई। ये आई कोमल, इसे फीवर हो गया है इसलिए पेप्सी पी रही है। ठंड लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी। ले ली खुराक। मैं पहले से कैप्चर करने वाली कोमलिया भाई के साथ बैठी हुई है, फिर मैं ले आ रहा हूँ। ना यार अपनी खोल ना, वीडियो बना दो। सिसी के फोन में बैटरी देखो, ये वीडियो बनाने के लिए कह रही है। थोड़ी ना लूडो खेल रही है। चलो गाइस मैं इसकी वीडियो बना देती, फिर बातें करनी नहीं पड़ता ना। ये देखो कौन कौन से सैलेड चाहिए। ग्रीन सैलेड, हाँ जी आ जाइए। दाल तड़का, पीली दाल, एक तो भी है दाल तड़का। अब बता कौन सा बड़ा अच्छा लगा है मेरे को। शुरू कर दो, कोमल तो छोटी है। कोमल दीदी शुरू कर दो। हाँ भैया के हिसाब से दीदी कैसा कहते, भैया के हिसाब से तो बहुत बड़ा रिश्ता होगा। चाची चाची लगेगी। भैया कौन सा ईयर का बर्थ है, छोटे कौन से, सारे ईयर यही। गाइस बाद में करते हैं, नहीं वैसे भी तो छोटे। अभी बताओ खाना, जलेबी खाने जाएंगे? खाने जाएंगे तो ब्लॉग का जब एंड करूंगा ना, फिर मैं अभी कर दूं यार। तो ये सारे पापा की बनने को घूम ले रखे, देख गाइस कर दे कर दे। तो गाइस हम आज थोड़ा घूमने आए थे और कुछ खाने आए थे, तो अलग अलग चल रहा है। पता नहीं मेरी वॉइस इतनी शोर में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, पता नहीं होगी। मेरा फोन नहीं, फोन का फंस जाए।
लोग एडिट कर के सोच रहे हैं अपलोड कर पाए, उससे तो जल्दी निकलेंगे आप चढ़ाई के लिए। मैं जल्दी रात में ही अपलोड करूँ वहीं से। आज का ब्लॉग खूब चलकर मुझे बनाना है ना, इसलिए घर बहुत देर हो गई थी खाना खाने के लिए। अपने होटल पहुँच चुके हैं। बाय गाइस, बाय गाइस। सो गाइस, इस वाले ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वॉइस वहाँ पे आने नहीं रही थी क्योंकि वॉइस मतलब बाहर का शोर ज़्यादा था ना, सो मैं इसलिए इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मैं रात ही इसे जहाँ तक अपलोडिंग पे डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। जय माता की।